put a live shot. What group? गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान साहिल शमी। मैं इस वक्त ब्रमरी कुपवारा में मौजूद हूं। यहां पर जो है अभी अभी दो गाड़ियों का जो है टक्कर हुई है। हालांकि इस एक्सीडेंट में जो है बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। बताया जाता है ये इको और सुमो गाड़ी जो है इनके दरमियान जो है आपस में टक्कर हुई है। हालांकि बताया जाता है कि ये ओवर स्पीड की वजह से हुई है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। मुकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने यहाँ पर जो है बरवक्त कार्रवाई करके जो है जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल पहुंचाया है। अगर हम कुपवाड़ा SDH की बात करें या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा की बात करें, वहां पर जो है जख्मियों को फिलहाल जो है रेफर किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो है पुलिस के साथ साथ मुकामी लोगों ने इस जो है इसको जो है रेस्क्यू किया है और जख्मियों को यहाँ से जो है एम्बुलेंस गाड़ियों में या प्राइवेट गाड़ियों में बिठाकर जो है मुख्तलिफ अस्पताल में पहुंचाया है। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको वो मनाजिर दिखाऊंगा कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। ये जो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, हालांकि बताया जाता है कि एक्सीडेंट जो है ये ओवर स्पीड की वजह से हुई है, क्योंकि ओवर स्पीड की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है। ये नेशनल हाईवे है, लेकिन ड्राइवरों को भी जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। हम अक्सर बेशतर यहाँ पर मतलब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो है बहुत सारे अवेयरनेस कैंप किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर यह लग रहा है कि शायद वो फोटो शूट तक ही महदूद रहता है, क्योंकि बाद में जो है ड्राइवर हजरात इस चीज के अमल नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर नेशनल हाईवे पे इस वक्त जो गाड़ियां चल रही है, मैं सभी गाड़ी वालों का नाम तो सभी गाड़ी वालों का तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो है आए रोज जिस तरह से हादसा होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि आज जो है यहाँ पर ब्रमरी कुपवाड़ा में जिस तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम की भी जो है जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो जो है इन चीजों पर जो है नजर रखे, बनाए रखे, ताकि ड्राइवर जो है वो किस तरह की कहाँ पर जो है कहाँ पे किस तरह की स्पीड रखते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं ये इको गाड़ी है। हालांकि बताया जाता है ये कंडी कुपवाड़ा जो है वहां की दोनों गाड़ियां हैं जिनको जो है आपस में टक्कर हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हालांकि दूसरी गाड़ी जो है वो उसको जो है उठाकर शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम हुआ था। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर है, मुकामी लोग, इनसे बात करेंगे। रोजन वो मोदापोरी यक बस्ती बिल्कुल हत स्पीड मज आज गाड़ दुशवई हमो ढगमूल पे आरापुर तक बनोमुत रन वे रोड कह गाड़ कराई हेर ये आज रोड पे बच मा आज कह क्या बसन वो अम तकूल अकूल ये अकूल बन कम हस्पताल यत स्टाप ब्या अजा ये गाड़ी शालपुरा रोड मतलब टोटल वुशन कि पको ये कम वो वत पे बच मा आज कम टोटल ड्रगमल स्पीड तुझम हथ अक वु यह वुशन यह वुचित ते जना पान हाल गाड़ी स्पीड क्या दोन गाड़ी हाल क्या मतलब अत कम कम वुहान जानन वस ख्याल कम कम दह बह व मतलब शदीद तैयार बिचे सीरियस मतलब बिल्कुल अम ख्याल कर वो एडमिशन गुजारिश कर दीतो स्पीड ब्रेकर अस गए जिस अक पे वन अस दीतो स्पीड ब्रेकर ये ताकि अको अस तक सहूलियत सैन बच हेकान अपोर यपोर तर बो वन स्पीड ब्रेकर दुम क्या नेशनल हाईवे ये स्पीड मगर तुम तरफ क्या अपील एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि गाड़ी वाले यप पकान रोड बाकी रोड गन बिल्कुल स्पीड में पकान जिस विकस मतलब ये हादसे पेश आव हालांकि यहां गई वह सवार जख्मी गुम दपा सत खुद ज्यादा नफर जख्मी गुम वो क्या अपील रोज सपील कम कम कंट्रोल में गाड़ी पक ताकि कम से कम स्पीड कम ग कि बिल्कुल स्पीड में पकान गाड़ अख वो डोड हथ गाड़ स्पीड तथा कुछ कंट्रोल गए गाड़ी आराम पोरा सर जबरदस्त स्पीड थाना वा कि दशन खोट बस्ती स्कूल त्रे आराम पोरा मोदाम पोरा ब्रमरी शालपोरा क्या सवार ग तकरीबन गठ नौ नौ गाड़ी नौ तकरीबन पंदा नफर तकरीबन पंदा नफर इन मे पांच तकरीबन करीब करीब सीरस इसलिए गवर्नमेंट कर गुजारिश गुजारिश कि यह अगर स्पीड ब्रेकर तक गए सह ज्याद बेहतर अगर ना कें कम अज कम ड्राइवर हजरात कर कम अज कम गुजारिश कि तुम थ स्पीड में क्या स्कूल त्रे कम अज कम त्रे स्कूल तो नाजिन जिस तरह की आपने सुना यहाँ पर जो है मुकामी लोग इस वक्त नाला है, क्योंकि ये आए रोज जिस तरह से हादसा यहाँ पर रोनमा होते हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये जो ब्रमरी के लोग जो है इस वक्त ये मांग कर रहे हैं कि एक तो स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, दूसरा अगर स्पीड ब्रेकर मुमकिन नहीं है लेकिन ट्रैफिक हुकाम को चाहिए कि वो जो है यहाँ पर रोडों पर जो है वो तैनात रहे, किस तरह से यहाँ पर स्पीड होती है। अगर हम बात करेंगे, बताया जाता है ये रोड जो है नेशनल हाईवे रोड है और ओवर स्पीड की वजह से यहाँ पर जो है 10 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको जो है कुपवाड़ा और हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ट्रैफिक हुकाम की जो है जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों पे नजर रखे, ताकि जितने भी यहाँ पर जो चाहे हम प्राइवेट गाड़ियों की बात करेंगे या पैसेंजर गाड़ियों की बात करेंगे या सरकारी गाड़ियों की बात करेंगे, जिस तरह से इनमें जो है इंसानी जानों का जो है वो खतरा रहता है, लेकिन इंसानी जानों को बचाने के लिए जो है यहाँ पर इंतजामिया को चाहिए, खासकर ट्रैफिक हुकाम को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे नजर रखे ताकि जो है इंसानी जान जाया नहीं हो। तो आप देख सकते हैं लाइव मनाजिर यहाँ पर जो है किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये इको गाड़ी है, हालांकि इको गाड़ी की स्पीड यानी कि ओवर स्पीड की वजह से ये आप देख सकते हैं पुलिस के यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लोग जो है इस वक्त जो है यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों ने जो है इस ऑपरेशन को जो है रेस्क्यू करके जो है जख्मी को मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेफर किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि ट्रैफिक इंतजामिया से जो है एक बार फिर लोगों ने अपील की है कि वो जो है इन गाड़ियों पर नजर रखें ताकि आए रोज जो है हादसा है वो कम हो जाए। तो नाजीन में ये ब्रमरी कुपवाड़ा से अपडेट देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जो है मेरे पास ये खबर भी आई है कि टंगडार में भी एक हादसा हुआ है, उसमें जो है एक निजी गाड़ी है जिसमें सात लोग जो है वो सवार थे, उसमें जो है तकरीबन 5 लोग वो जख्मी हुए हैं, जिनको जो है टंगडार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो है रेफर किया है, वो इलाज मुवलजे के लिए फिलहाल जो है वहां पर रखा गया है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज, कुपवाड़ा।